उत्तर प्रदेश के इटावा से खबर आ रही है, जहां पर इटावा पुलिस ने महज 3 दिन में अपहरण की वारदात का खुलासा किया और अपहरण करने वाले बदमाशों से एसओजी टीम ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। दरअसल पूरी घटना 13 मई की है, जहां पर भरतना थाना क्षेत्र के हथनौली ग्राम से एक बच्चे के अपहरण की सूचना पुलिस को मिली। इस सूचना पर थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने बारीकी से जांच की तो इन बदमाशों की मोटरसाइकिल को सीसीटीवी फुटेज से ट्रेस किया गया और इसके बाद पता चला कि बच्चे को जनपद से बाहर ले जाया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में लगातार दबिश दे रही थी। घटना के बाद से पुलिस टीम सक्रिय थी। मुखबिर के द्वारा जब पुलिस को जानकारी मिली कि मोटरसाइकिल पर कुछ लोग बच्चे को लेकर चौबिया क्षेत्र की ओर से आ रहे हैं, तभी भरतना पुलिस और एसओजी टीम द्वारा बदमाशों की घेराबंदी कर ली गई। जवाबी फायरिंग भी हुई। पुलिस द्वारा कोई फायर नहीं किया गया। ओवर पावर प्रयोग के साथ बच्चा बदमाशों से बरामद कर लिया गया। बच्चे को लेकर भागने वाले मुख्य अभियुक्तों की तलाश अभी भी की जा रही है। 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। अभियोग पंजीकृत कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है। एसओजी टीम ने घेराबंदी करी, अपने आप को घिरता हुआ देख के बदमाश भागने लगे तथा उनमें से एक बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर भी किया, लेकिन क्योंकि मुखबिर की सूचना थी, ये सटीक सूचना थी कि एक बच्चा उनके साथ है, तो बच्चे की जान को देखते हुए पुलिस द्वारा कोई फायरिंग नहीं की गई, लेकिन जो अपनी टेक्टिकल तकनीक इन्हें सिखाई जाती है उसके माध्यम से ओवर पावर किया। जब ओवर पावर किया तो 3 अभियुक्तों को बच्चे सहित पकड़ा। ये बच्चा वही था जो 13 तारीख में जिसका अपहरण किया गया था। बच्चे के सकुशल वापस लौटाने के बाद गांव वाले पुलिस की इस कार्रवाई से खुश दिखाई दे रहे हैं। वहीं भरतना पुलिस और एसओजी टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस सफलता पर 25,000 रुपए का नगद इनाम भी दिया जाएगा। इटावा से टीम एन भरत।